अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोग जिक्र कर रहे थे ग्रेव्स डिजीज़ का, हमारी थायराइड ग्लैंड की पैथोलॉजीज़ में से। और ग्रेव्स डिजीज़ में आपको सारे इंट्रोडक्शन बता दिया कि हाइपरथायरॉयडिज्म इसमें होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ट्रायड है इसमें, और पैथोजेनेसिस जो हमने स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको थायरोटॉक्सिकोसिस जो इसमें हो रहा होता है उसकी रीज़न बता दी थी कि थायरोटॉक्सिकोसिस होने की 3 वजूहत होती है कि आपके पास 2 तरह की ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं जो थायराइड ग्लैंड की एक प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रही है, एक उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रही है, एक उनको अपोज कर रही होती है। लेकिन जो चीज़ स्टिमुलेट कर जो चीज डोमिनेट कर जाएगी उसके इफेक्ट्स या उसके फीचर्स आने लग जाते हैं, ठीक है। अगली चीज थी, मैंने ऑफ्थैल्मोपैथी का बताया था। ऑफ्थैल्मोपैथी में आई टोल्ड यू अबाउट कि हमारे पास जो आय होती है, मैंने आपसे कहा था कि उसमें आपको पता है कि आई बॉल के पीछे जितना भी पेरीऑर्बिटल फैट पड़ा हुआ है ये वाला, और यहाँ पर जो एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स हैं, अगर इनका मास इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आई बॉल पे फोर्स पड़ेगा और वो आगे की तरफ पुश हो जाती है। तो आपके पास ग्रेव्स डिजीज में प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि ये जो पीछे आपकी आई बॉल है ना, इसमें बहुत ज्यादा इसके भी सेल्स में, क्योंकि ये ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो सिर्फ ये थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट नहीं करती, ये बाकी जगहों को भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बाकी जगहों में जो मैनिफेस्टेशन आ रही है उनमें से एक आई है और एक स्किन है जिसमें बहुत प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशन आती है, ठीक है। तो आई में क्या होता है कि आपका जितना भी ये आपका एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स और जो पेरीऑर्बिटल एरिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा मोनोन्यूक्लियर सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर आपके बेतहाशा आपको मिलेंगे टी लिम्फोसाइट्स, खास तौर पर सबसे ज्यादा जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है, कि प्रीडोमिनेंट सेल्स कौन से होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होंगे। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, सारे के सारे यहाँ पर बहुत ज्यादा होंगे जिस तरह आपके थायराइड ग्लैंड में होते हैं। उसी तरह उसके साथ साथ जिस तरह वहां पर एक थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई हुई है ना, क्योंकि जाहिर है वहां पर सिर्फ एंटीबॉडीज तो नहीं है, वहां पर इन्फ्लेमेशन भी साथ साथ होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायरोटॉक्स, ये तो मैंने आपको जो बताया ये सिर्फ और सिर्फ थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह बताई है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां इन्फ्लेमेशन नहीं होती, वहां पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, सब कुछ होते हैं। सेम आंख में भी यही होगा, आई बॉल के पीछे वाले सारे मटेरियल में आपका इन्फ्लेमेटरी इडीमा हुआ हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है जहां भी कहीं इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर हमेशा ये होता है कि वेसल्स जो है वो उनके जो कैपिलरीज है खास तौर पे उनकी जो वॉल्स हैं वो उनमें स्पेसेस बढ़ जाती हैं और सारा का सारा फ्लूइड बाहर आने लग जाता है, तो इडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। जितना आपका यहाँ एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स होंगे उनमें एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स में इन्फ्लेमेटरी इडीमा एंड स्वेलिंग हो जाती है। फिर आपके पास क्या होता है, तीसरी जो चीज़ है जिसकी वजह से आपका आईबॉल फॉरवर्ड पुश हो रहा है, वो ये कि यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लेमेशन इस तरह से नहीं बल्कि जितने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कॉम्पोनेंट्स हैं जिसमें आपका ग्लूकोसामिनोग्लाइकन है, आपका हेलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, ये सारे होते हैं आपके ECM के कॉम्पोनेंट्स। अब ये यहाँ पर क्या करें, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर एक किसी भी चीज़ को पता होता है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन में कोई एंटीजन है, कोई मसला है, तो इन्फ्लेमेशन हो रही है उस जगह पर। आपके एक तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स सारे आते हैं, फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ECM के कंपोनेंट्स आते हैं कि वहाँ पर अगर कोई नई चीज़ हीलिंग होनी हो या फिर वहाँ पर कुछ नया ले डाउन करना हो तो ये सारे ECM के कंपोनेंट्स करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है और ग्लूकोसामिनोग्लाइकन्स है, वो सब कुछ यहाँ पर फिल अप होने की वजह से मजीद इन चीज़ों की मास बढ़ जाती है। एंड नॉट ओनली दिस, आपके पास फैट सेल्स भी फैटी टिश्यू में बहुत बढ़ जाते हैं, पेरीऑर्बिटल फैट जितनी है उसमें एडिपोसाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होता है। अब जाहिर सी बात है कि इतना सब कुछ जब पीछे चल रहा होगा तो उसकी वजह से आईबॉल को तो धक्का पड़ेगा और वो सामने चली जाएगी, तो आईबॉल फॉरवर्ड पुश होती है। एक तो वजह ये होती है कि बंदा हमें नजर आता है कि जैसे बड़ी बड़ी आंखें खोली हुई है, स्टेयरिंग गेज है, जैसे कि वो आंखें खोल के घूर रहे हमें। दूसरी वजह ये होती है कि आपके पास एक तो आईबॉल फॉरवर्ड है, दूसरा आई लिड का जो फंक्शन है ना वो भी सिंपथैटिक, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हमने हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स में ये बात पढ़ी थी कि सिंपथैटिक सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हुआ होता है और सिंपथैटिक सिस्टम की ही एक नर्व है जिसने सप्लाई करना होता है आपकी आईलिड के मसल को, मुलर्स मसल है और जो लिवेटर पेल्पेब्रिस सुपीरियोसिस, ठीक है, ये दो मसल्स हैं आपके जिन्होंने आपकी आंख की जो ऊपर वाली आईलिड है उसको पीछे करना है, यानी एलिवेशन ऑफ द आईलिड करनी है। अगर इन दोनों मसल्स को स्टिमुलस ज्यादा मिलेगा तो ये ज्यादा आईलिड को पीछे कर देंगे और पेशेंट की आंख और ज्यादा बाहर आई हुई नजर आएगी। तो ऐसा ही होता है कि सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन की वजह से ये दोनों मसल ज्यादा एक्टिव होते हैं, मुलर मसल और लिवेटर पेल्विक सुपीरियोसिस, और उसकी वजह से आपकी आईलिड ज्यादा ऐसा लगता है और बाहर आई हुई है, तो स्टेयरिंग गेज होता है। और लिड लैग भी होता है, लिड लैग का मतलब है कि जब आप आईलिड क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो आईलिड पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाती, आपकी आंख नीचे मतलब आईलिड आपकी पूरी की तरह नीचे ही नहीं आ पाती, उसकी वजह ये होती है कि सिंपथेटिक उसमें ओवर स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपकी ऑफ्थैल्मोपैथी की बातें हैं। फिर आपके पास जो डर्मोपैथी चल रही होती है, डर्मोपैथी का मतलब है कि जो स्किन में प्रॉब्लम्स चल रही होती है ड्यूरिंग ग्रेव्स डिजीज, उनकी वजह ये होती है कि स्किन में भी सेम ये ग्लूकोसामिनोग्लाइकन्स वगैरह ECM कंपोनेंट्स और सेम ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आए हुए होते हैं डर्मिस ऑफ द स्किन में। आपको पता है स्किन की दो लेयर्स होती है, सबसे पहले एपिडर्मिस होती है जिसकी मजीद अपनी 5 लेयर्स होती है, उसके बाद डर्मिस होती है जिसकी अपनी 2 या 3 लेयर्स होती हैं। तो डर्मिस में ये सब कुछ कलेक्ट हो रहा होता है, ECM, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, उसकी वजह से थिकनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है और आपको निशान नजर आते हैं स्किन के ऊपर। और खास तौर पे मैंने आपको बताया ये टांग में जो टिबिया का एरिया है, जो बोनी एरिया होता है शिन वाला, वहां नजर आता है, इसीलिए उसको प्री टिबियल मिक्सिटिमा कहते हैं। तो
ये तीन आपकी जो अक्रेंसेज है ग्रेव्स डिजीज में, ये तीन कॉजेज हैं। अब मॉर्फोलॉजी में देखेंगे तो ग्रॉस आपको मैंने कहा है कि आपने भूलना नहीं है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन थायराइड के केसेस, क्योंकि अगर आपका ग्लैंड इसमें आप जैसे इनलार्ज है तो इसमें डिफ्यूज एंड सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट है, जैसे हशिमोटोज में थी इसमें भी डिफ्यूज और सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड है जिसमें कोई नोडुलैरिटी नहीं है और उसका जो कैप्सूल है वो भी इंटैक्ट है और देखने में भी ग्लैंड बिल्कुल सॉफ्ट और नॉर्मल सा है, ठीक है। तो ऐसी आपने ये बातें ये लाजमी लिखनी है और इनको याद रखना, इनको गलत नहीं करना, ठीक है, वरना नॉर्मली ग्रॉस हम अपने से लिख देते हैं लेकिन अपने से नहीं लिखनी क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ थायराइड। एक जैसा ग्लैंड एनलार्ज हो रहा होता है कि सब तरफ एक ही जैसा इफेक्ट चल रहा होता है। अब माइक्रोस्कोपी के लिए आप देखेंगे तो आपने इसमें अगली इंपॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा जो याद रखनी है वो ये कि अभी मैंने आपसे कहा गया यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, जो ग्रेव्स डिजीज के हिसाब से बात मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो रही है, थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से, दूसरा T3 T4 की हार्मोन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। अब जब ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जब ग्रोथ ऑफ द ग्लैंड ज्यादा कराता है तो आपको ये ग्लैंड आ गया, ठीक है, इस ग्लैंड के अंदर मैंने आपसे कहा फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स फ्लाइंग किया हुआ ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम ने, ठीक है। अब अगर ग्रोथ ऑफ द ग्लैंड तेजी से हो रही है तो जाहिर है ये एपिथीलियम के सेल्स भी बहुत क्राउडेड हो जाते हैं इस तरह से कि पहले अगर ऐसे ऐसे सेल्स पड़े होते हैं ना, यू 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 सेल्स होंगे। अब जब इतने क्राउडेड सेल्स होंगे तो क्या होता है इसमें, आप अब ये देखें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं बना रही, क्राउडिंग बता रही हूँ। एक तो कलमदर और टॉल हो जाती है उनकी शेप, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब इतनी ज्यादा क्राउडिंग होती है, जुड़ जाती हैं चीजें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ सेल्स बाहर निकल आएंगे क्योंकि वो एक लाइन में पूरे नहीं आ रहे होंगे। जाहिर है लाइन में सबने पूरा आना था लेकिन लाइन में पूरे नहीं आ रहे, तो कुछ सेल्स जैसे बाहर निकल के आपके ल्यूमेन ऑफ द फॉलिकल में आ जाते हैं। ये सेल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पेपिल्ले बाहर निकले हुए हैं। पेपिल्ला आपको पता है ना, कोई भी चीज जैसे स्टॉक हो जिसकी और जो आगे लटक रहा हो उसको पेपिल्ला कहते हैं, पेपिल्ले होते हैं हमारे पास, तो पेपिलरी प्रोजेक्शंस हमें लग रही होती हैं जब हम इस तरह माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना कि जैसे पेपिलरी प्रोजेक्शंस ही हैं जो आगे आई हुई हैं। तो ये हमें एकदम से जहन में आता है कि यार ये कोई पेपिलरी टाइप ऑफ कार्सिनोमा तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको कार्सिनोमास पढ़ाऊंगी तो उसमें पेपिलरी कार्सिनोमा में भी ऐसी ही पेपिलरी प्रोजेक्शंस आई हुई होती हैं थायराइड फॉलिकल्स में। लेकिन हमें फिर कैसे पता चलता है कि नहीं, एक तो पेशेंट के सारे फीचर्स डिफरेंट होते हैं, उसको ऑफ्थैल्मोपैथी डर्मोपैथी होती है, और दूसरी बात ये कि अगर असल में पेपिल्ले बने हुए हो ना, पेपिलरी प्रोजेक्शन हो, तो हर पेपिल्ले के अंदर इस जगह पर एक पूरा फाइब्रोवैस्कुलर कोर होता है। पेपिल्ला क्या होता है कि जब वो बाहर ऐसे प्रोजेक्ट करता है तो उसके अंदर सारे के सारे फाइबर्स और वेसल्स का एक पूरा मटेरियल प्रेजेंट होता है असली पेपिल्ले के। यहाँ पर तो सिर्फ क्राउडिंग ऑफ द सेल्स है, तो यहाँ पर आपको ऐसे कोई कोर नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ आपको सेल्स ही सेल्स मिलेंगे, जिससे आपको पता चलता है कि दिस इज ग्रेव्स डिजीज, दिस इज नॉट कार्सिनोमा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाइवा क्वेश्चन एंड योर मॉर्फोलॉजी का पॉइंट, याद रखना इसको पेपिलरी प्रोजेक्शन को, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर जितना आपके फॉलिकल के अंदर जो आपका कोलोइड है, इसको कोलोइड कहते हैं जिसमें थायरोग्लोबुलिन वगैरह होती है, ये पेल कलर का होता है और ये भी मतलब कोई इतना खास अच्छा नहीं हुआ हुआ होता, और बहुत ज्यादा जो आसपास सारा पैरेन्काइमा उसमें बहुत ज्यादा लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मैंने आपको बताया जैसे होते होते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास एक्स्ट्रा थायराइडल टिश्यू है, यानी कि हमारा स्किन और आई है, वहां पर क्या मैनिफेस्टेशन है, आई में मैंने आपको बता भी दिया वही कि बाहर इतना कुछ हो गया, फैट भी आ गया बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स भी आ गए, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, बाहर से मुराद है आई के आसपास, तो एडिमेटस एक्स्ट्रा ऑर्बिटल टिश्यू आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा एडिमा हुआ होगा उसका, बहुत ज्यादा ईसीएम की चीजें वहां पर आई होंगी, और कुछ अर्से तक तो ये चीजें मतलब रिवर्सिबल होती है, मतलब एक बंदे का प्रोप्टोसिस या एक्सोफ्थैल्मोस जो आंख बाहर निकली हुई है, अगर इसको टाइमली ठीक कर दिया जाए तो आई बॉल वापस आ जाती है, रिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर ये चीजें मुसलसल परसिस्ट करेंगे तो आपको पता है कि जहां पर इन्फ्लेमेशन होती है वो डिवेलप करती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, और एक्यूट जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ट्रेंड करते हैं तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का हॉलमार्क होता है हीलिंग एंड फाइब्रोसिस। तो अगर इस जगह फाइब्रोसिस होने लग जाएगा ना आपके एक्स्ट्रा ऑर्बिटल टिश्यू में और खासतौर पे ऑर्बिट के पीछे, तो फिर तो आपको पता है फाइब्रोसिस एक दफा हो जाए तो वो जगह स्कार हो जाती है, वो जगह खत्म हो जाती है, वहां का फंक्शन भी खत्म हो जाता है और वहां पर आप रिप्लेस नहीं कर सकते उसको, तो फिर आईबॉल का पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए टाइमली ट्रीट होना जरूरी है। और फिर आपकी जो थिकन डर्मिस है वो भी आपको मैंने बता दिया कि आपकी स्किन भी थिक हो जाएगी क्योंकि उसके नीचे उसके अंदर इसी तरह से सब कुछ आ गया, डिपोजिशन ऑफ द मटीरियल होगी। क्लिनिकल फीचर्स जो इसमें पेशेंट के होते हैं वो टिपिकल हाइपरथायरायडिज्म के फीचर्स हैं, आपके पास सिनेरियो में आते हैं कि मिडिल एज वुमन प्रेजेंटेड टू यू विद द फीचर्स ऑफ हीट इंटॉलरेंस, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा नर्वसनेस, पैल्पिटेशंस, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इस किस्म की बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, उसके साथ साथ हाइपरथायरायडिज्म के जो फीचर्स हैं वो प्रेजेंट किए उनके साथ, और उसके साथ से प्रोप्टोसिस या एक्सोफ्थैल्मोस लाजमी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा तो लैब इन्वेस्टिगेशन में आपको मिला कि T3 T4 का लेवल बहुत ज्यादा हाई हुआ है,
और कोई आपको वो कह देंगे कि थायराइड, कोई एक एंटीबॉडी का बता देंगे कि ये एंटीबॉडी हमें पॉजिटिव मिली है, तो बताएं कि क्या है। अगर वो आपको एंटीबॉडी का नहीं भी बताते और आपको हाइपरथायरायडिज्म के सारे फीचर्स बताते हैं और साथ आपको कहते हैं T3 T4 भी ज्यादा है, ऑडिबल ब्री भी है, तो आपने उसको जाना जाता है ग्रेव्स डिजीज की वजह से। वो अक्सर ये साथ कह देते हैं कि हाँ ग्रेव्स में आपको साथ बताते हैं ना कि डर्मोपैथी का भी कोई फीचर, कि उसको प्री टिबियल मिक्सिडिमा था, शिन पे निशान थे, ऐसी कोई बात, तो आपने उसमें ग्रेव्स डिजीज ही डायग्नोसिस लिखना होता है। ठीक है, तो आपके पास ये क्लिनिकल सिनेरियो भी ये थे कि हाइपरथायरायडिज्म में पेशेंट को उसको इतनी ज्यादा उतना उसका इतना ज्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ होता है ड्यू टू इंक्रीज T3 T4 की, उसकी ब्रूई भी ऑडिबल होती है। ब्रूई का मतलब है कि आपके जो स्टेथ की आप उसे सुनते हैं ना, बैक साइड से जो स्टेथ की सुनते हैं उसे ब्रूई कहती है, आर्टरी की आवाज कहते हैं। ठीक है, तो ब्रूई भी ऑडिबल होती है, और ये सिर्फ तब होती है जब ब्लड फ्लो बहुत तेज हो और वो बहुत ज्यादा तेज हुआ होता है। ठीक है, एग्जॉस्थैल्मॉस बता दी मैंने आपको, आंखें जो बाहर प्रोट्यूड होती हैं खासतौर पे, वैसे तो प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल को प्रोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस भी याद रखना, जो सिंपल प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल है जो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है उसको एग्जॉस्थैल्मॉस नहीं कहते, उसको प्रोप्टोसिस कहते हैं। लेकिन जब प्रोप्टोसिस थायराइड ग्लैंड की पैथोलॉजी की वजह से होगा, यानी ग्रेव्स डिजीज की वजह से, तो उसको एग्जॉस्थैल्मॉस कहेंगे। तो एग्जॉस्थैल्मॉस जो लफ्ज है ना, ये टिपिकल थायराइड ग्लैंड के लिए और उसकी वजह से होने वाले, थायराइड ग्लैंड के लिए नहीं, मतलब थायराइड ग्लैंड के साथ जो एसोसिएटेड आय का मसला है उसके लिए है, लेकिन प्रोप्टोसिस इज अ जनरल टर्म। और प्री टिबियल मिक्सिडिमा भी मैंने आपको बता दिया, तो ये पेशेंट के जनरल फीचर्स होते हैं। लैब फाइंडिंग्स आप देखेंगे तो जो जैसे एक्सपेक्टेड है कि T3 T4 का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होगा, और TSH बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट नन या बहुत कम होगा बॉडी में। ठीक है, और उसके साथ जो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक है ग्लैंड की, वो बहुत इंक्रीज होगी। मैंने अभी आपको पहले बताया था जब हशिमोटोज हमने पढ़ी थी, तो मैंने उसका पहला फेज बताया था, इनिशियल फेज, उसमें भी ये दोनों ऐसे ही थे, T3 T4 इंक्रीज था, TSH डिक्रीज था, लेकिन आयोडीन की अपटेक भी कम थी। मैंने आपको वहां भी बताया था कि उसकी वजह ये कि वहां पर नए हार्मोन बन नहीं रहे, यहाँ बन रहे हैं, इसलिए आयोडीन की अपटेक ज्यादा होती है। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, बाकी अगले पार्ट में करेंगे। कोई मसला हुए कि नास्मी, थैंक यू।